हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T2X 5G फ़ोन है, तो वीवो T2X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में अलार्म वगैरह को कैसे हटा सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में कोई भी अलार्म सेट है तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं या फिर कैसे हटा सकते हैं अलार्म को। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि अलार्म कैसे रिमूव कर सकते हैं या फिर कैसे हटा सकते हैं अपनी क्लॉक सेटिंग्स पे जाकर वीवो T2X 5G फ़ोन में। तो बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन से आपके फ़ोन में शो हो जाएंगे, जिसमें से आपको क्लॉक सेटिंग्स पे जाना होगा। तो क्लॉक सेटिंग्स से आपके फ़ोन में आ जाएगी। जैसे अगर आपने कोई भी अलार्म आपने फ़ोन में सेट कर रखा है तो उसको कैसे बंद कर सकते हैं और कैसे हटा सकते हैं, हम देखते हैं कि आपका अलार्म सेट है तो हम इसको हटाना चाहते हैं, अब ऑफ़ करना चाहते हैं, इसको सिंपली यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो अलार्म टाइमिंग आपके फ़ोन से हट जाएगा और इस टाइम पे कोई भी अलार्म आपके फ़ोन में नहीं बजेगा। एंड आप इसको यहाँ से भी ऑफ़ कर सकते हैं और आपका अलार्म आपके फ़ोन से हट जाएगा। तो इस तरीके से भी अलार्म को आप हटा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, और कोई भी अलार्म आप सेट करना चाहें तो टाइम के हिसाब से आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं टाइमिंग को लगा के, और इस तरीके से अलार्म आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो वैसे शायद कोई नहीं सेट हुआ है तो आप इसको सेट करते हैं तो ये भी हमारे फ़ोन में अलार्म सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अलार्म को सेट भी कर सकते हैं, टाइमिंग को अपने तरीके से सेट करके और ऑफ़ करते हैं तो अलार्म अपने फ़ोन से आप हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से भी अलार्म को आप सेट कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।